हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार सरकार जो है गाय खरीदने के लिए जो लोन देती है उस पर आवेदन कैसे करें, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें लगती है, वो सारे डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये पोस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के इस पोस्ट पे आ जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिंक दिया हुआ हूँ जो कि आपको रीडायरेक्ट कर देगा मेन वेबसाइट पे। तो आगे चलते हैं। पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि गाय खरीदने के लिए सरकार दे रही है लोन, जाने कैसे करे आवेदन। तो इसके लिए आवेदन करने के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको परिचय दिया हुआ होगा कि कैसे किस लिए ये योजना चलाई जाती है, ये बहुत सारे इसमें डिटेल है। बट आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो लिंक टू है यहाँ पे, उस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लिंक टू दिया हुआ है इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा मेन वेबसाइट पर। तो आप वहां से रजिस्टर और अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप ये सारे इन्फॉर्मेशन जो नीचे दिए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसे लिए लोन मिलेगा, ये सब आप आराम से इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चाहे मैं इस वीडियो में आपको पढ़ के भी मैं बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यह योजना निम्नलिखित लाभार्थियों के लिए है, मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र के किसान होने चाहिए, बेरोजगार युवा है वो भी कर सकते हैं, महिलाएं भी इसको शुरू कर सकते हैं। उसके बाद योजना के प्रमुख उद्देश्य, तो ये पढ़ लीजिएगा, इतना जरूरी है। योजना के प्रमुख लाभ, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होंगे। पशुओं की आय बढ़ती है और भी बहुत सारे चीज़। योजना के प्रमुख घटक, मतलब पशु खरीदने के लिए अनुदान, पशु पालन के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, ये सारे दिए जाते हैं इसमें। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आवेदन प्रक्रिया, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये वाला आवेदन की प्रक्रिया, यह योजना के आवेदन करने के लिए लाभार्थी को पशु मत्स्य, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर रखें, मतलब ये सारे मान होना ही चाहिए, तब जा कर के आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आवेदन जनरली ऐसे ये जो होता है हर एक साल 31 मार्च को लिया जाता है, बट अभी इसमें जो है 15/10/2023 तक लास्ट डेट है। मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है नोट लिख करके, तो आप यहाँ पर आकर के देख लीजिएगा। 10/15/10 तक है, यानी कि आज 13 तारीख हो गया लगभग, मैंने बहुत देरी कर दिया है थोड़ा। उसके बाद मैं आता हूँ, आवेदन भरने के बाद मतलब क्या क्या चीज़ें रखना है, तो इसमें से आवेदन जब आप भर देते हैं तो उसको सबमिट करिए, उसके बाद प्रिंट उसका जो है उसका ले लीजिए, आईडी ले लीजिए। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं निष्कर्ष, ये सारे पढ़ने को इतनी ज़रूरत नहीं, बट ये जो मैंने बताया है आपको ये इसमें ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, आवेदन भरने के बाद क्या करें। उसके बाद ये जो है ये डेट कितना है, कब कब मतलब ऑलमोस्ट भराता है हर एक साल। उसके बाद मैं आता हूँ ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं। उसके बाद मैंने जो फील किया है कि ये इसमें जो है आपको जो पासवर्ड आता है वो ये वन टाइम पासवर्ड होता है, उसके बाद जब आप पासवर्ड, जैसे मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट पे जा कर के, देखिए मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए
मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। तो जो पासवर्ड आता है वन टाइम होता है, उसके बाद फिर से पासवर्ड सेंड नहीं किया जाता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, बाकी पासवर्ड नहीं आता है, मैंने देखा है। तो आपको पासवर्ड को एक आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के जितना ज़्यादा हो सके प्रोटेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ भी कर लीजिए आपको पासवर्ड नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं, तो मैं आपको वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब आप आवेदन करते हैं उसके बाद जब लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से शो करता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है कि जो मतलब समग्र विकास योजना के लिए जो मतलब आवेदन करना चाहते हैं आप, तो कितने गाय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 2, 4, 15, 20। प्रशिक्षण अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म खुल जाएगा। ये सारे फॉर्म आप भर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या ईमेल आईडी दिया हुआ है तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा, तो मैं पर्सनली आपका हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वेटिंग। इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।